नमस्कार दोस्तों, आज 27 अगस्त 2022 है, दिन शनिवार। दोस्तों जान लेंगे दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला है, जान लेंगे आलू की आज की क्या रिपोर्ट है, मंडी में कितनी आलू की गाड़ियां आई। दोस्तों ये जो दूर तक आज आप देख रहे सारे में आलू की जो डंप है ये बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा हल्के माल है, ये इतने बढ़िया माल नहीं है, पर इसने जो है यही कारण है मंडी में जो इसने थोड़ा सा रेट कम करा। बढ़िया माल बिक जाते हैं, जो मीडियम माल छोटे माल ये सारी दुकानों पे ऊपर तक डंगे लगी पड़ी, आज हर दुकान पे कुछ ना कुछ बैलेंस माल बचे पड़े। पर जान लेंगे आज की क्या कुछ रिपोर्ट है मंडी में, कितनी गाड़ियाँ आ रही भाई साहब से, क्या कुछ रेट खुला। नमस्कार भाई साहब जी, भाई साहब जी आज कितनी गाड़ियाँ जी मंडी में जी? सर सारी मिला के 125 गाड़ियाँ हैं। हाँ जी, और देखो और नीचे उतरा हुआ माल डंप जोन सा है, कम से कम नाना करते 8000 कट्टे से ऊपर ही है, कम नहीं है। अच्छा जी, और नीचे उतरा माल आपने वीडियो कैमरा आपने घुमाया बहुत अच्छा करा, जो किसान भाइयों को भी पता लगे, व्यापारियों को पता लगे कि नीचे उतरा माल जोन सा है बिकने वाला है ना आगे उठने वाला है, इसमें एक आधा लाट को उठने वाला होता है। अच्छा जी, अच्छा। बाकी बाजार के अंदर छोटे साइज के माल रह रहे जी, छोटे भी हैं जी और बीच में मोटे भी हैं और बीच में गीले भी हैं और सूखे भी हैं, सारे किस्म के आलू हैं। अच्छा, सोना बीच में थोड़े बहुत हैं, थोड़ा बहुत सूर्या भी पड़ा हुआ है। बढ़िया माल तो कम ही होगा जिसमें, बढ़िया कम होगा ये तो बात सही है। अच्छा जी, जो बढ़िया आलू हैं चिप्सोना के अंदर वो तो 950 से लेके 1000 रुपये तक चलते हैं जी। अच्छा, जो हेठे आलू हैं 800, 850, 900 रुपये बिक रहे हैं जी। अच्छा, और जी। आम एवरेज प्राइस 900, 950 रुपये की है जी, दिल्ली में चिप्सोना की जो एवरेज प्राइस चल रही है। अच्छा, और जो सूर्या आलू है वो 900 रुपये से लेके 1000, 1050 रुपये तक चल रहा है जी, 1050 रुपये तक सूर्या सब में 100-150 रुपये का मंदा आया हुआ है। अच्छा, और 37 वगैरह जो होते हैं 650 से लेके 700-740 रुपये तक चल रहे हैं जी। अच्छा जी, ये भूजन है। और कुल मिला के यहाँ पे गर्मी जिस हिसाब से पड़ रही है, चिपचिपा मौसम हो रहा है और उस हिसाब से उठाव कम निकल रहा है ग्राहकी का परचून में, और यहाँ पे दिल्ली मंडी जो होती है 70-60 गाड़ी की रह गई है, जो रह गई सेल के अंदर। हाँ जी, सेल के अंदर। बाकी कुल मिला के कुछ, और सारे किसान भाई भी अपने इस समय जिस माहौल को देखते हुए हर एक को कहता है मैं बेच लूं कि मैं ना रह जाऊं। हाँ जी, ये चीज़ है, इसलिए हर एक को माल भेजने को तैयार हो रहा है इस टाइम। हाँ जी, इस टाइम वो नहीं हो रहा, पहले होता था ना अभी घर से नहीं निकले, अब तो घर से निकल के तैयारी है भाई तुम माल बेचो हमारा, अब तो ये तैयारी है। तो आज की पोजीशन, जैसे शनिवार है जी, आज डबल मंडी है, क्या देखने को मिला जी आज नया? सर देखो डबल मंडी जरूर है, बात आपकी बात बिल्कुल सही है, कल इतवार है, लेकिन अब जो है ना आगे कस्टमर जो है इतना निकल के नहीं आ पा रहा, क्योंकि आने वाले टाइम में त्यौहार, अब गणपति जी का त्यौहार आ जाएगा। हाँ जी, महाराष्ट्र साइड में सारा माना जाता है, दिल्ली में माना जाता है, लेकिन यह है कि कुल मिला के सेल के अंदर बहुत दिक्कत आ रही है मालूम है। खाएंगे तो सब्जी, फिर वो सब्जी तो खानी है सर। देखो आगे क्वान्टिटी होती थी कि बंदा 10 किलो ले जाता था, अब उतना ले जाता है जितना 5 किलो, 2 किलो, 2.5 किलो वो ले जाता है। अच्छा, और आलू या तो ना आलू कम आए, आलू पूरा आ रहा है। हाँ जी, नीचे उतर भी रहा है, सेल पूरी तरीके से नहीं हो रही जैसे बननी चाहिए। मेन कारण गर्मी को होगा, गर्मी का कारण है, गर्मी चिपचिपा मौसम हो रहा है और गाड़ी हार्डिंग भी हो रही है, जैसे बैलेंस रह जाती है 30-32 गाड़ी, 35 गाड़ी, 40 गाड़ी बैलेंस रह जाती है, तो नीचे कई किसी में 100 कट्टे पड़े हैं, किसी में 150 पड़े हैं, किसी में पूरी गाड़ी खड़ी है, ये बैलेंस ये भी गिना जाता है ना जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सारी मिला के 121 गाड़ियाँ हैं और कल की 35 गाड़ी बैलेंस थी, तो मतलब ताजी जो आमदनी हो रही है वो 80 गाड़ी करीब हो रही है। अच्छा, लेकिन ग्राहक तो वो देखता है ना 135 गाड़ी खड़ी है जी, हाँ ग्राहक, हाँ ये नहीं देखता कि वो गाड़ी है कल की बैलेंस वाली है, वो नहीं गिनता, और नीचे उतना माल है, नीचे एक बार मंडी क्लियर हो जाए ना नीचे उतना माल से, तो थोड़ा फिर भी ग्राहक के दिमाग में आता है कि यार थोड़ा करके लूँ, क्योंकि बीच में कई आलू ऐसे हैं जो आलू भाई साहब बिल्कुल घुटने तोड़ के मिलते हैं ग्राहक को। अच्छा, वो माहौल खराब कर देते हैं। अच्छा जी, जो अच्छे आलू को उसको भी मार पड़ जाती है उसके अंदर। अच्छा, वही तो मैं कह रहा जी, थोड़ा घटिया आलू रखे ना जी बीच, क्योंकि पीछे ग्राहक जैसे सुनाते हैं हमारे इतने रुपए किलो तो ऊपर आलू नहीं बिक रहा जी, हम क्या करें जी, फिर उनको अलीगढ़ इगलास इधर उधर के आलू, सासरी सूसरी के आलू 19-21 आलू वो मिल जाते हैं, चिप्सोना वगैरह वगैरह और दूसरे भी, और चंदोसी बेल्ट के आलू तो ये बिक रहे 900-950 रुपए तक जी। धन्यवाद भाई साहब जी, दुकान का एड्रेस मोबाइल 333 चंद्र प्रकाश दिनेश कुमार 93-122-42-752। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। दोस्तों जान लेंगे लाल आलू का क्या बाजार चला भाई साहब के पास, ये गुजरात वाला लाल आलू है और ये है दोस्तों इनके पास पंजाब वाला, जान लेंगे आज की क्या कुछ रिपोर्ट है, और हल्द्वानी वाला तो आज शायद इनके पास है ही नहीं, है कि नहीं देख लें पूछ लेंगे। नमस्कार सर जी, सर जी आज हल्द्वानी वाला नहीं दिखा जी अपने पास, हल्द्वानी है बिक गया। अच्छा, ये इन बोरियों में जी हल्द्वानी बिक गया, आज हल्द्वानी का कैसा चला जी बाजार?
हल्द्वानी 1800 रुपए के आसपास है। अच्छा जी, 1800-1850। अच्छा जी, ऐसा आलू ऐसा रेट है। और ये गुजरात का नया है जी? अब गुजरात का तो वेफर पास आ रहा है। हाँ जी, ये बिक रहा है 27 रुपए से लेके 30 रुपए किलो तक। 27 रुपए से लेकर 30 रुपए किलो, जैसा आलू वैसा रेट है। शुगर पास का जी, शुगर का हिसाब है। अच्छा जी, और ये तो बहुत थोड़ा हल्की की क्वालिटी जी, ये पंजाब स्टोर का हल्का आलू है, गड आलू है, तो बेकार आलू है। अच्छा जी, फिर इसका क्या कर रहे जी? अभी यहाँ से छटके बिकेगा, गोली अलग, आलू अलग। अच्छा, पीछे से नहीं छांटा जी? नहीं नहीं, पीछे से। फिर यहाँ तो लेबर महंगी है, वहाँ लेबर सस्ती है, उनको छटवाना। अब जो भी है, ये गाड़ी आ गई हल्की, अभी छटवानी तो पड़ेगी ना। अच्छा जी, अच्छा। तो इसका वैसे गढ़ में क्या रेट चल रहा जी सारा? कोई नहीं गढ़ का आइडिया मुझे, तो गोली बिक रही है 500 रुपए। हाँ जी, आलू बिक रहा है 14-15 रुपए किलो। अच्छा जी, ऐसे ये बड़ा बढ़िया वाला छटके जी, छटके। अच्छा जी, धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ये इनकी दुकान का एड्रेस है, इन भाई साहब का एक कॉन्टेक्ट नंबर है। और जो दोस्तों ने पहले रेट बताए, ये सारे 50 किलो की बोरी के रेट थे। यहाँ आलू का जो रेट होता है, जो पहले वाले भाई साहब ने बताए थे, मैं शुरू में बताना भूल गया, 50 किलो की आलू की बोरी का रेट चलता है यहाँ पर।